आपके घर बहुत जिनके कच्चे हैं चौते हैं घर गिरने वाले हैं वो अपने घर की कंडीशन उस नंबर पे दे देना मैं आपका घर बनाऊंगा, आपका पक्का घर बना के दूंगा मैं लेंटर वाला उत्ते सलीब ला के और कोई भी धर्म का हो हिंदू हो सिख हो क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म का बंदा हो कोई मायने नहीं करता चर्च सबका घर बनाए ये मैं सोच के नहीं आया हूं ये प्रभु ने मुझे अभी कहा है कि चर्च में ऐसे लोग हैं ए एन एम चर्च अब बनाएगी सब लौटमंद गरीबों के पक् के घर हाल लुईया प्रेस दल और सबको से की विशालमदास चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और ये बहुत ही जो कि बड़ी गुड न्यूज आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को भी सुना क्योंकि वो हमेशा ही जैसे कि वचन बयान करता है कि वो हमेशा ही धर्मी जन की प्रार्थना के ऊपर काल लगाता है उसके प्रार्थना को सुनता और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जो कि आने वाले महीने हैं ये बरसातों के महीने हैं ये बारिशों के महीने हैं और इस बरसातों में कई लोग ऐसे हैं जो कि कच्चे घरों में रहते हैं जिनके घर कच्चे हैं जिनकी छतें कच्ची हैं जो बारिश की वजह से उनके जो कि बर हैं वो पानी के साथ भर उनके घरों में जो कि पानी टपकता है उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब परमेश्वर के दास परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो कि परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं परमेश्वर के कहने पर उन्होंने अब अनाउंसमेंट किया कि अब वो सब उन लौटमंदों के उन गरीबों के जो कि पक्के लेंटर वाले जो कि उनको घर बनवा कर देंगे हालेलुया लुया चर्च की ओर से सब गरीब लोगों के जिनके कच्चे घर हैं अब उनको पक्के मकान डाल के दिए जाएंगे हालेलुया और ये परमेश्वर के कहने पर परमेश्वर के दास कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बाइबल का वचन बयान करता है कि प्रभु का वचन कहता है कि गरीबों की सहायता करो विधवाओं की सहायता करो और नाथों की सहायता करो और जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं जब हम परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है और उसी रीति से आपने आपको पता है कि परमेश्वर अपने दास को कितना ज्यादा भरा रहा है हमेशा ही जब जब परमेश्वर के दास के जब जब विरोधी उठते हैं परमेश्वर हमेशा ही उन्हें शर्मिंदा करके उन्हें नीचा करके अपने दास को ऊंचा करता है और उसी रीति से आज भी परमेश्वर एक बड़ा काम अपनी दास को जो कि दिया है कि वो अब उन गरीब लोगों के उन जरूरतमंद लोगों के वो लोग जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है जो कमा नहीं सकते जो खा नहीं सकते जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उन लोगों को जो कि परमेश्वर के दास के द्वारा जो कि के मकान जो कि घर बना कर दिए जाएंगे हाल और आपने पहले वीडियो में भी सुना कि परमेश्वर के दास ने क्या अनाउंसमेंट की उन्होंने कौन सा नंबर जो कि अनाउंस किया अगर आपके घर कच्चे हैं अगर आप किसी भी कोने में हैं आप देश के इंडिया के किसी भी कोने में हैं आप चर्च को फॉलो करते हैं आप चर्च में मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर जो आपने फ्रंट में नंबर को देखा आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपने घर की वीडियो बनाकर शेयर कीजिए और जब टीम उस वीडियो को देखेगी और आगे, आगे आपके मैसेज को डालेगी और टीम आपके घर आकर पूरी इंक्वायरी करेगी और उन्हें लगेगा कि आपका घर चौकी बनाने वाला है तो वो आपका घर चौकी बनवा कर देंगे हाल ही लोहिया और ये बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए उन परमेश्वर के लोगों के लिए जो लगातार ही इस प्रार्थना में थे कि परमेश्वर हमारे घर को बना कर दे क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई से नहीं बना सकते जो नहीं कमा सकते नहीं खा सकते जो बहुत से गरीब हैं जिनके पास पास अपनी छतें भी नहीं हैं टूटी हुई हैं उन्हें अब परमेश्वर की ओर से जो कि घर बना कर दिए जाएंगे हाल लिया और जैसे कि परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि ये ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है कि ये सिर्फ ईसाई लोगों के लिए घर बना कर दिए जाएंगे ये सब लोगों के लिए अगर वो क्रिश्चियन है हिंदू है मुस्लिम है सिख है किसी भी धर्म का कोई भी इंसान है जिनके घर कच्चे हैं इन बरसातों की वजह से उनके घरों में जो कि बारिश रुकती है उनकी छतें चोती हैं उन्हें वो पक्का मकान लैंटर वाला मकान जो कि बना कर देंगे आप सिर्फ अपने मैसेज को डालें व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो को डालें और वो वीडियो जब चर्च आपकी देखेगी चर्च टीम आपकी देखेगी तो आपके घरों में आकर इंक्वार की जाएगी और अगले कुछ दिनों में अगले कुछ हफ्तों में अगर अगले कुछ महीनों में आपका जो कि कच्चा घर बनवा कर दिया जाएगा और जैसे और ऐसे ही आप भी हमेशा ही परमेश्वर के दास को प्रार्थना में रखें कि ऐसे ही परमेश्वर अपने विरोधियों को अपने दास के विरोधियों को शर्मिंदा करें और अपने कामों के लिए ऊँचा उठाए हाल लोया गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको ब्लेस करें